हेलो एंड वेलकम बैक टू मॉम्स मैजिक बाय अंजना। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी अमृतसरी फेमस भिंडी छोले, जो कि मैं बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी बताने वाली हूँ। और इसके साथ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी फूले फूले भटूरे की सीक्रेट रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इस छोले को बनाने के लिए यहाँ पे चने को मैंने भिगोकर धो लिया था। अब टिक्की कुकर में इसे उबालना है। जैसा कि मैंने कहा था, दो सीटी तक आपको उबालना है। और इसमें थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए अमृतसरी छोले हैं, तो इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिया था एक चम्मच चाय पत्ती, फिर यहाँ पे लिया है स्टार एनीस यानी कि चक्री फूल, और दो हरी इलायची लेंगे, 5 से 6 लौंग लेंगे, और इसमें 2 दालचीनी मैं लेने वाली हूँ, और काली मिर्च यहाँ पे, और साबुत धनिया। और इसकी पोटली बनाकर हम इसे ऐड कर देंगे उसमें जो हमने उबालना है हमें वो चना। अब देखिए इसमें डिप कर दीजिए इसको अच्छे से, और इसे 2 सीटी तक उबालेंगे। तो यहाँ देखिए अब ये उबल चुका है, इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ चुका है। आप देख रहे हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब चलिए कढ़ाई में तेल मैंने गरम कर लिया था, यहाँ पे 2 तेज पत्ता और यहाँ पे 1 अजवाइन लिया था, और इसे हम तड़के आने तक भुनने तक वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिया था 1 बड़े प्याज का पेस्ट तैयार किया था, इसमें भी नमक मैंने ऐड किया था थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा नमक और ऐड की हूँ, और यहाँ अदरक और लहसुन का कूट के मैंने ऐड कर दिया है। अब देखिए मसाले में यहाँ पे लिया 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। और ये सब ऐड करने के बाद इसका हम पानी डालकर पेस्ट तैयार कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसको हम इसमें डालेंगे जो मसाले हम वहाँ भून रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये सब अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसमें यही जो मसाले का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर दीजिए, और कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे टमाटर का प्यूरी, 2 टमाटर को मैंने पीस कर प्यूरी तैयार किया था, वो भी ऐड कर दीजिए इसमें। इसे भून लिया हमने 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें वही चने जो ऐड कर देते हैं, और चनों को हमें कुक करना है मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ देखिए अब इसमें अगला इंग्रेडिएंट जो ऐड होगा वो है कसूरी मेथी। इसको डालकर मिक्स कर लीजिए और 2 मिनट और इसे कुक करिए। तो देखिए छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसमें नमक हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि नमक पहले भी डाले थे। और ये देखिए चना रेडी है। अब इसमें लास्ट में धनिया पत्ता डालिए, और चलिए भटूरे बनाना शुरू करते हैं। भटूरे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया था 2 कप मैदा। अब मैदा में यहाँ पे मैं घर की फ्रेश दही 1 कटोरी भर कर, इसी से दही से ही हम इसका आटा बनाएंगे, तो इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए कई लोग आपको भटूरे बनाने के लिए ईस्ट और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर ये सब बताते हैं, मैं कुछ भी नहीं, आपको एकदम जो पारंपरिक रेसिपी होती है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ दही से आटा बनाइए और रिजल्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो ये देखिए इसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा दही हम इसमें ऐड करते जाएंगे, और इसका हम आटा तैयार कर लेते हैं, और इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो चलिए इसको मिलाकर हम थोड़ा थोड़ा इसमें दही ऐड करेंगे, एक बार में पूरा दही मत ऐड कर दीजिएगा। सॉफ्ट डो से मतलब था कि थोड़ा मुलायम रहे, चिपचिपा मत बना दीजिएगा सॉफ्ट करने के चक्कर में, क्योंकि ये बाद में फूल कर खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा डो तैयार हो चुका, और अब इसे इस डो को हमें रेस्ट करने देना है 5 से 6 घंटे तक, क्योंकि दही है तो दही खुद से एक्टिवेट होगा, खुद से फुलाएगा इस डो को, कुछ केमिकल्स की यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए से 5 से 6 घंटे रेस्ट करने दीजिए। और 5 से 6 घंटे बाद इसके हम भटूरे बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 5 से 6 घंटे बाद। तो यहाँ देखिए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं, और ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे ये अब फूल चुका है। आप देख रहे होंगे ये एकदम आटा अब फूल कर डबल हो चुका है, इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो अब इसमें से हम एक लोई इस तरह से निकालेंगे, और अभी मैंने वहाँ चकला पर ग्रीसिंग कर लिया है मैदा से, और अब इसे बेलना शुरू करेंगे। आप तेल या मैदा से ग्रीसिंग कर सकते हैं ताकि ये चिपके ना। तो ये देखिए इस तरह से इसे बेल लेंगे। इसे प्रॉपर गोल मत दीजिए, आप चाहे तो इसको ओवल में भी फ्राई कर सकते हैं, गोल में भी जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। कई लोग जैसे कि भटूरे को क्रिस्पी पसंद करते हैं, गोल्डन कलर, कई लोग ऐसे भी, तो मैं आपको दोनों दिखाऊंगी फ्राई करके।
यहाँ देखिए इसको इस तरह से बेल लेंगे बराबर। और चलिए तेल गरम है तो इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए इसे फ्राई करेंगे और अब देखिए इसका सीक्रेट क्या है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। ज़्यादा तेज कर देंगे तो ये गुलाबी तो हो जाएगा बट वो ऐसा मज़ा नहीं आएगा। और देखिए अब ये सीक्रेट है कि इसके ऊपर से हमें तेल इस तरह से डालना है। तो इस तरह से अगर आप तेल डालेंगे तो आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने कि ये फूल जाएगा तुरंत। आप देख रहे हैं इसको हमने थोड़ा क्रिस्पी करके बनाया, आप कलर देख रहे हैं इसके ऊपर बहुत अच्छा आने लगा है। तो यही है कि लो टू मीडियम फ्लेम पे आराम से फ्राई करिए, ज़्यादा जल्दी ना करिए। और अगर आप क्रिस्पी नहीं पसंद करते, गोल्डन नहीं पसंद करते, तो इसे आप तुरंत निकाल लीजिए। तो ये देखिए भटूरा रेडी है, तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये लीजिए हमारे पिंडी छोले भटूरे बनकर रेडी हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बहुत ही इजी छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये सही में बहुत इजी है और बनाने में भी आसान है। और जो मसाले यूज़ किए हैं उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सब पूछेंगे कि क्या मसाले इसमें ऐड किए। बस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिए और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।